नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा और आपका हमारे चैनल डॉक्टर तात्विक होम्योपैथी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक, जिसके बारे में आमतौर पर ज़्यादातर खुली तौर पर बोला नहीं जाता या स्टिग्मा की तरफ देखा जाता है, इसे इसका टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन, महावारी, मासिक धर्म। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के जीवन से जुड़ी इस समस्या के बारे में ये वीडियो है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस समस्या के बारे में कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके संबंधित बीमारियां क्या होती है, इसमें कारण और लक्षण क्या होते हैं, GNM क्या होता है इसका, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, होम्योपैथी इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो ये महावारी मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया होती है जो हर औरत हर महिला की ज़िंदगी में होती है, और इस दौरान इस पीरियड में वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी समस्याओं से जूझती है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो इस दर्द से कैसे जूझती होगी? हम इन दिनों में हमें उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले जानते हैं कि ये महावारी मेंस्ट्रुएशन का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो महिला शरीर को संभावित गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने का उद्देश्य ही मेंस्ट्रुएशन का होता है। सो जब ये गर्भधारणा नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो ये लाइनिंग्स जो होती है वो आउट ऑफ बॉडी फेंक दी जाती है। इसलिए जब वो बॉडी से बाहर निकलता है डिस्चार्ज, उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये हर महीने की एक साइकिल होती है, हर महीने में ये साइकिल होती है। मोस्टली ये साइकिल जो होता है वो 25 दिन का होता है, लेकिन 7-8 दिन पहले या 7-8 दिन आगे इसका होना ये बहुत नॉर्मल होता है। 3 से 7 दिन तक इसका ड्यूरेशन जो है वो रह सकता है, कुछ महिलाओं में कम, कुछ महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसमें जो एक डिस्चार्ज होता है वो एक 30-40 ml होना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। अब इस सारी नैसर्गिक प्रक्रियाओं में महिला का जो शरीर होता है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं में से गुजरता है, उन्हें हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले जब ये जो लाइनिंग्स होती है इसका, जब गर्भधारणा नहीं रहती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो होता है ताकि वो सारी लाइनिंग्स बॉडी के बाहर निकल जाए। और इस सारी प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी का रोल होता है तो होता है हॉर्मोन्स का, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH, FSH, ये सारे ही हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं। ये ना ही सिर्फ प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन करने का काम करते हैं, बल्कि हर महिला को उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, मेंसेस की कितनी महावारी से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इरेगुलर मेंसेस, इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अमेनोरिया। अमेनोरिया ये कुछ केसेस में नेचुरल होता है, तो कुछ केसेस में ये किसी बीमारी की वजह से भी होता है। पहले देखते हैं नेचुरल क्या होता है। तो जब भी कोई लड़की किशोर अवस्था में आती है तो उम्र के 8 साल से लेकर तो 16वें साल तक उसको ये महावारी जो है वो शुरू हो सकती है। अब बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट में जो होता है वो 12 साल तक के पीरियड्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लड़कियों में ये 16 साल तक भी आते हैं। तो इस केस में भी उसे अमेनोरिया कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल होता है, इसके लिए किसी भी मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है और पेरेंट्स को चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है या वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उस वक्त में भी महावारी नहीं आती है, ये भी बहुत नेचुरल चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कुछ डिजीज़ केस होते हैं, लाइक PCOS है, PCOD है, ये जब किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से किसी महिला को जब पीरियड्स नहीं आते हैं बहुत महीनों तक, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उस केसेस में उसको अमेनोरिया कहा जाता है। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, मेनोरेजिया। जब महावारी आती है तब उस जो हमने फ्लो मैंने पहले बताया था कि 30 से 40 ml तक इसकी क्वांटिटी नॉर्मल होती है, लेकिन अब ये जो रक्तस्राव होता है वो 90 ml से ऊपर जाता है एक ही पीरियड में, तो उस पीरियड को हम, उस टाइप को हम मेनोरेजिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा रक्तस्राव जाना इसे मेनोरेजिया कहते हैं। ये एक दिन से लेकर तो 6 से 7 दिन तक भी रह सकता है, कुछ कुछ लोगों में, ये महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा दिन तक भी रह सकता है। टाइम ड्यूरेशन हर केस में ये वैरी करता है। तीसरा प्रकार है मेट्रोरेजिया। जब एक दो साइकिल के बीच में जब महावारी आती है, एक 28 दिन का साइकिल हमने देखा था, लेकिन इसके बीच में जब ये कोई साइकिल फिर से रिपीट होती है तो उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। इसमें भी सेम उतना ही ब्लीडिंग होता है जैसे नॉर्मल साइकिल में होता है, लेकिन बार बार ये पीरियड्स मतलब हर 15 डेज में आते हैं, इसलिए इसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। अगर ये भी परेशानी बहुत लंबे समय तक किसी महिला को होती है तो उसमें एनीमिया मतलब खून की कमी होने की दिक्कत जो है वो हो सकती है। इसमें तीसरा प्रकार देखते हैं हम डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब
पेट में दर्द होना, थोड़ा बहुत पेट में दर्द होना ये बहुत ही आम बात होती है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में ये दर्द इतना असहनीय होता है कि वो सह नहीं पाती है, वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाती है, कुछ भी करना, खाना पीना हर चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे केसेस में उनको पेन किलर्स की सहायता लेनी पड़ती है या अपने काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये 3 या 4 दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये भी समस्या अगर बहुत दिनों तक लंबी खींचती है तो और दूसरी समस्याओं को भी ये जन्म दे सकती है। इसका चौथा प्रकार है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। सो इसमें क्या होता है, जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं, महावारी आने वाली होती है, उसके पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण बहुत ही साधारण, बहुत सारी महिलाओं में दिखते ही है, जिसमें उदासी लगना, चिड़चिड़ापन लगना, स्तनों में बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगना या ढीला लगना, बहुत ज़्यादा दर्द होना या सूजन होना, चेहरे पे सूजन आना, पेट में दर्द या सूजन होना, बहुत ज़्यादा नींद आना या बिल्कुल भी नींद नहीं आना, उदास लगना, भूख की अनियमितता होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण दिख सकते हैं। इसलिए इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम कहा जाता है। लेकिन जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाते हैं, तो अगर पेशेंट को अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में उदासी लगती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट अगर वो महसूस करती है, बहुत ज़्यादा निराशा जिससे उसे लगने लगती है, तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम से प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बन जाता है। इसे इस कंडीशन को आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही चाहिए, नहीं तो ये आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। अब देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो है हार्मोन का असंतुलित होना, जिसमें कि हमें देखा जाता है जितने सगे, सबसे शुरुआत में मैंने बोला था प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH, FSH, ये सारे हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें कुछ असंतुलन आता है जो कि PCOD और PCOS जैसे बीमारियों की वजह से होता है। इस वजह से बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। PCOD और PCOS अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें जो होता है वो गर्भाशय में ओवरीज में सिस्ट हो जाने की वजह से फॉलिकल अच्छे से बनते नहीं है, ओवुलेशन अच्छे से होता नहीं है, वो PCOD में होता है। और PCOS में ये तो एक तरीके का सिंड्रोम है जो आपकी पूरी महिला की पूरी बॉडी को हर तरीके से किसी न किसी तरीके से परेशान करता है और बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। दूसरा कारण है इसमें आपकी किसी महिला की गर्भाशय में कुछ अगर विकृति है, लाइक कोई पॉलिप है, एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है, कोई सिस्ट है, इसकी वजह से भी ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं। एक असंतुलित आहार, जैसे एक लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि वहाँ खाने पीने की इतना समझ नहीं होती है या अभाव होता है, इसलिए उनमें उन महिलाओं में ये समस्याएं दिखाई देती है। तो एक हाई इकोनॉमिक क्लास में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाने का फैशन या बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खाने का जो फैशन होता है या ट्रेंड समझा जाता है, इस वजह से भी ये आहार का संतुलन कभी कभी नहीं बनाया रखा जा सकता है। तो इस विशेष रूप से इस पे ध्यान देना है कि आप हमेशा संतुलित और असंतुलित आहार लें, ताज़े फल, ताज़े सब्जियां खाएं, फलों का अपने आहार में समावेश करें। चौथा है व्यायाम की कमी। अभी बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल चल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों का काम जो होता है वो बैठे बैठे होता है, या व्यायाम करने को जो बहुत महिलाएं जो है वो नहीं करती है, इसकी वजह से स्थूलता आती है और वो स्थूलता जो है वो ये अल्टीमेटली इस तरीके से आपको मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट आपके लाइफ में कर सकते। सबसे आखिरी में स्ट्रेस एंड टेंशन, तान और तनाव, स्ट्रेस, किसी भी तरह की चिंता आपको किसी भी तरह की बीमारी को जो है वो हमेशा बढ़ावा ही देती है। इसलिए अगर किसी चीज़ को आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो इसके ऊपर प्लीज़ आप वर्कआउट कीजिए, उसे ढूंढिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी आधे परेशानी तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। GNM एक अनुसंधान हुआ है हाल ही में, जिसके अनुसार कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी महिला के लाइफ में, जिसकी वजह से यूट्रस में, गर्भाशय में जो है वो फंक्शनल या मटेरियल चेंजेस हो सकते हैं। लाइक यूट्रस मतलब क्या, कि एक घर होता है, एक आने वाले बच्चे की का एक 9 महीने के लिए ये घर होता है। सो अगर किसी की लाइफ में, किसी के जीवन में, किसी महिला के जीवन में घर से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो या बहुत ज़्यादा किसी तरीके का स्ट्रेस हो जो कि घर से रिलेटेड हो, तो उन महिलाओं में गर्भाशय से रिलेटेड जो है वो समस्याएं आ सकती है। कि किसी महिला को बार बार किसी पुरुष के द्वारा मौखिक या शारीरिक रूप पे अगर प्रताड़ित किया जाता है, पूर्व प्रति पति या प्रेमी के प्रेमी से कुछ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है, या किसी पुरुष रिश्तेदार की से की तरफ से बहुत ज़्यादा उसे परेशानी परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है ऐसे केसेस में, या किसी सहकर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार जब उसे बार बार देखने को मिलता है,
उस केसेस में, या किसी पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक, डॉक्टर, या किसी वैसे बड़े अधिकारी जो जिनके हक जिनके पास राइट्स होते हैं और वो महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे केसेस में एक किसी एक तरीके का शॉक जो है वो महिलाओं को बैठता है। और उन केसेस में जो है महिलाओं को गर्भाशय के संबंधित जो है वो बीमारियाँ हैं वो हो सकती है। अब देखते हैं ये जो समस्याएँ होती हैं इनका निदान कैसे होगा। तो सबसे पहले आप किसी तज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए। तो सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, जिस हिस्ट्री के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके लक्षणों के आधार पर ही डायग्नोसिस हो जाता है और आपके उपचार जो है वो शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है कि कुछ केसेस में हमें लेबॉरेटरी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये टेस्ट में जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो आपके हार्मोन्स की स्थिति को बताता है और बाकी के भी हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH FSH की स्थिति भी हमें चेक करते हैं ताकि क्या किस चीज़ में बिगाड़ है वो हमें पता चले। तीसरा होता है इमेजिंग, अगर USG करते हैं तो हमें अगर यूट्रस में कुछ विकृति है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, पॉलिप है, इसके बारे में क्लियर आइडिया आता है। ज़रूरत अगर पड़ती है तो CT स्कैन या MRI सजेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार तो USG में ही आइडिया जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है। अगर उसके बाद भी अगर निदान नहीं होता है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी, मतलब गर्भाशय का एक छोटे सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसको परीक्षण के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद ही बात किसी कुछ पर्टिकुलर बीमारियों का निदान होता है। और इसके बाद भी अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट अगर लक्षण दिखते हैं तो उन लक्षणों के आधार पर कुछ टेस्ट जो है वो करवाए जा सकते हैं और विशेषज्ञों की सलाह जो है वो ली जा सकती है। तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों जानते हैं कि होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक साइंस मतलब इस हमारी साइंस में जो तज्ञ डॉक्टर होते हैं वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, इसे केस रिसीविंग बोला जाता है, जिसमें आपकी डिजीज़ कैसे चालू हुई, इसके लक्षण क्या है, लक्षण कैसे शुरू हुए, कैसे प्रोग्रेस हुआ है, डिजीज़ कैसे बढ़ा है, आपको कुछ स्ट्रेस या टेंशन है क्या, उसके बाद आपके स्वभाव कैसे है। और स्वभाव के तो बहुत ही छोटे छोटे पहलुओं को बहुत ही ध्यान से जो है वो तज्ञ डॉक्टर सुनते हैं और उसे समझते हैं। इस पूरी हिस्ट्री में, ये पूरी आपकी जो हिस्ट्री ली जाती है उसका फिर एनालिसिस किया जाता है और एक तत्सम सिमिलिमम मेडिसिन जो है वो आपके लिए सिलेक्ट की जाती है। इस प्रोसीजर को कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम कभी कभी लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके ये होम्योपैथी तज्ञ जो है वो आपको आपकी हिस्ट्री लेके आपके लिए दवा सेलेक्ट करते हैं। फिर इन दवाइयों को विशिष्ट मात्रा में जो है वो आपको दी जाती है। ये मात्राएं डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मात्राएं जो होती है वो आपके लक्षण की तीव्रता कितनी होती है उसके ऊपर डिसाइड की जाती है। तो जब ये आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो भी समस्या होती है वो धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व हो जाती है। आपके सिर्फ लक्षण ही कम नहीं होते हैं तो आपको आंतरिक तौर पे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, फ्रेश फील करने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, काम करने का उत्साह जो होता है वो बढ़ने लगता है, और जो पीरियड है वो जो हार्मोनल असंतुलन हुआ है वो भी संतुलित होने लगता है। और जो पीरियड में तकलीफ हो रही है, जैसे पीरियड नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या बहुत ही स्कैंटी ब्लीडिंग हो रहा है, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगती है। और आप एक आपकी जो महावारी होती है वो बिल्कुल मंथली जैसे नॉर्मल होती है वैसे आने लगती है। कुछ दिनों का ये टाइम ज़रूर लेती है, लेकिन जब ये सॉल्व होता है प्रॉब्लम तो एक बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होता है, जिसके आप खुद महसूस करेंगे कि आप अंदर से भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कभी भी अपने मन से ना करें, क्योंकि ये दवाइयों का विशिष्ट मात्रा में लेना और विशिष्ट रूप से लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा अपने नज़दीकी तज्ञ डॉक्टरों से की सलाह से ही इन दवाइयों का सेवन करें। ऊपर दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।